परम पुरुष परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान, जिस व्यक्ति को ये परम पुरुष चुनता है, वरण करता है। वरण करना मतलब समझते हैं ना, यमई वेश वृणुते, जैसे विवाह के समय में एक वर होता है और एक कन्या उसका वरण करती है, उसी तरह से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, मनुष्यों की संख्या भी बहुत है, लेकिन जिस पर भगवान को कृपा करना है, भगवान उस जीवों का पहले वरण करते हैं, चुनते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, भगवान सौ है उसमें दो को चुनते हैं तो उनमें पक्षपात का दोष लग जाएगा। गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति सम हूँ, परंतु किस कारण से भगवान किस जीव को अपने लायक चुनते हैं ये अब वही जानते हैं, परंतु पहले चुनते हैं, वो वरण करते हैं और वरण करके उसे साधु संग देते हैं और साधु संग देने के बाद में उसे प्राप्त हो जाते हैं। मैं देख रहा था इस मार्केट में प्रवेश करने से अब तक हजारों लोग मिले, टकराए, सब लोग मिले, परंतु भगवत कथा के लिए भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं, इसमें अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, अपने कथा के लिए चुनते हैं। इस बात को उपनिषद कहता है यम एव एष वृणुते, वह पुरुष जिसे वरण करता है, भगवान सबसे पहले चुनते हैं और फिर उसको सौभाग्य देते हैं और उस सौभाग्य के द्वारा अपने आप को दे देते हैं, प्राप्त कराते हैं। हम सबका सौभाग्य है, भगवान ने हमको चुना है। अपने अंदर कोई योग्यता नहीं होती है कि जीव भगवान के पास पहुंच जाए, उनकी भक्ति प्राप्त करे। सौभाग्य से, सत्कर्म से ये भजन प्राप्त नहीं होता है। भगवान की भक्ति भगवान और साधुओं की, गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की और वैष्णव की, गुरु की कृपा है, इसलिए हम सब लोग अपने भाग्य को, अपने सौभाग्य को, अपने समय को जागृत कर रहे हैं, प्रफुल्लित कर रहे हैं। अचानक लाल गोविंद प्रभु ने कहा कि प्रभु जी पंचरत्न चलना है, तो ये तो इस विश्वास के साथ कहता है कि आज्ञा उल्लंघन नहीं होगी। मैं पूछा इनसे क्या कथा लेनी है, बोले जो आपकी इच्छा हो लीजिए। तो मेरे मन में ऐसे ही अचानक विचार आया, जन्माष्टमी कितने तारीख को थी, 10 को थी, और आज कितना तारीख है, कितने दिन हो गए, और छठे दिन एक राक्षसी आई है भगवान से मिलने के लिए, राक्षस। तो मेरे मन में आया संक्षेप में, और भगवान की कृपा से समय भी थोड़ा कम हो गया, तो संक्षेप में मैं उसकी लीला आपको श्रवण कराने का प्रयास करता हूँ। वो आप समझ गए छठे दिन कौन आई थी, उसी दिन जो वृंदावन गए हैं छठी करा हो रहा था। छठी करा का अर्थ होता है छठी, बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन उसका संस्कार होता है। तो आप सब लोगों ने बड़ी सुंदर जन्म महोत्सव मनाया है, कृष्ण जन्माष्टमी, जिनकी प्रतीक्षा दोनों पक्ष करता था, कंस का पक्ष और देवताओं का पक्ष।
देवता प्रतीक्षा करते थे भगवान के आने की, कृष्ण आए यहाँ पर लीला करें, और कंस प्रतीक्षा कर रहा था कि आते ही उसको समाप्त कर देना। भगवान आए, आकर के मथुरा से नंदगांव में गए। नंदगांव में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पांचवें अध्याय की ये कथा है। और संजोग देखिए, छठे दिन पूतना नंदगांव गोकुल में पधारी है, और सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत के छठे अध्याय में यह कथा प्रारंभ करते हैं। छठवें दिन की लीला, छठवें दिन, प्रथम दिन की लीला पांच अध्याय, और छठवें दिन की लीला छठवें अध्याय में करते हैं। नंद बाबा नहीं है, कम करो थोड़ा सा आवाज अधिक। नंद बाबा कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा गए हैं, और टैक्स इसलिए देने गए हैं क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी ये दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। सूरसेन जी की दो पत्नी है, वैश्य पत्नी से नंद बाबा और क्षत्रिय पत्नी से श्री वसुदेव जी, और सूरसेन जी के पिता का नाम सहस्राबाहु अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन जिसको कहते हैं। तो दोनों भाई थे। वसुदेव जी को कंस ने जेल में बंद किया था 8 वर्ष तक, और नंद बाबा को 85 वर्ष की उम्र में पुत्र पैदा हुआ है। कहीं वसुदेव का पुत्र समझ करके नंद बाबा ने सोचा हमारे पुत्र पर भी कोई खतरा न आ जाए, कंस का कोई सिपाही गोकुल में न आ जाए, टैक्स के बहाने न आ जाए, इसलिए हमको उसके आने के पहले ही टैक्स ले जाकर दे देना चाहिए। नंद बाबा टैक्स लेकर के जाते हैं कर, और जिस दिन नंद बाबा टैक्स लेकर जाते थे उस दिन पूरा मथुरा जान जाता था कि आज नंद बाबा आए हैं। तो वसुदेव जी भी जान गए, एक व्यक्ति टैक्स लेकर जाता था और पूरी मथुरा जान जाती थी कि आज नंद बाबा के यहां से टैक्स आया है। तो नंद बाबा क्या टैक्स में लेकर जाते थे? सैकड़ों बैलगाड़ी पर दूध, दही, घी, ये उनका टैक्स था। तो कितना कंस खाएगा और सिपाही खाएंगे, पूरे मथुरा में बांटा जाता था। तो जिस दिन पूरे मथुरा में दूध, दही और घी की कीच मच गई उस दिन सब लोग समझ जाते थे कि आज नंद बाबा टैक्स देने आए हैं। वसुदेव जी भी समझ गए। वसुदेव जी का बहुत सुंदर मिलन हुआ है, पांचवें अध्याय के अंत में दोनों का बहुत सुंदर संवाद है। संवाद करने के बाद वसुदेव जी ने कहा कि भाई नंद, अब आप गोकुल में जाइए, क्योंकि गोकुल में उत्पात आगम शंकिता, बहुत बड़ा उत्पात, संति उत्पाताश्च गोकुले। वर्तमान काल में उन्होंने कहा गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है, इसलिए अब आप जल्दी यहां से जाइए। तो नंद बाबा इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणा जयुः, इस प्रकार से नंद आदि गोप जब सौरी सूर नंदन श्री वसुदेव जी ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, तो जल्दी जल्दी बैल में गाड़ी को जोत करके और गोकुल के प्रति प्रस्थान किए।
रास्ते में विचार करते जा रहे हैं। पथी सौरे वचम बच न मृषा इति विचिंतया। रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं कि वसुदेव जी जैसे सिद्ध पुरुष की बात कभी भी असत्य मृषा नहीं हो सकती है। क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने यह भविष्यवाणी आकाशवाणी की थी कि यह बालक जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करेगा। और ऐसे श्री वसुदेव जी ने कह दिया कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, कृष्ण पर संकट हो सकता है, इसलिए बहुत तेजी से नंद बाबा गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा विचार करते हैं कि वसुदेव की बात कभी असत्य नहीं हो सकती है और इतना जल्दी बैलगाड़ी से गोकुल नहीं पहुंचा जा सकता है, तब क्या करना चाहिए। हरिम जगाम शरणम, वहीं से जहां पर जैसे ही वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा भगवान परम मनोहर भक्त दुखहारी भक्त भयहारी श्री विष्णु के श्री नारायण के शरण में गए। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता, और कोई चारा नहीं था, इतना जल्दी गोकुल नहीं पहुंच सकते थे, परंतु जहां सुने जहां थे वहीं से भगवान श्री हरि के शरण में चले गए। ये नंद बाबा के का बहुत सुंदर उपदेश है कि जीवन में संकट आता ही रहता है। भगवान के पिता यह संदेश दे रहे हैं कि यदि आपको संकट की कमी नहीं, विपत्ति की कमी नहीं है, इसी पंचरत्न पर कुछ समय पहले आ गया था, कहीं भी आता है आता रहता है। जिस दिन मैं यहाँ आया तो उस दिन एक भक्त मुझे बता रहे थे कि एवरेज 27 लोग प्रतिदिन रेलगाड़ी में कट करके मर जाते हैं, 27 लोग प्रतिदिन केवल बॉम्बे और न्यू बॉम्बे मिला के। तो प्रत्येक शरीर पर विपत्ति है, प्रत्येक क्षण में विपत्ति है। पदम पदम यद विपदम, ये विपत्ति का ही स्थान है, संकट का स्थान है। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि गोकुल पर विपत्ति है, कृष्ण पर विपत्ति आ सकती है, कृष्ण की रक्षा करने के लिए हरिम जगाम शरणम, हरिम शरणम जगाम, भगवान श्री हरि के शरण में गए। अथवा हरिम शरणम विचिंतयन, भगवान श्री हरि के चरणों की चिंता करते हुए। शरण का अर्थ कहीं कहीं चरण भी किया जाता है, भगवान श्री हरि के चरणों के का आश्रय लेते हुए चिंतन करते हुए, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षण। जीव के पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति हो, विपत्ति हो, परंतु यदि भगवान के चरणों का स्मरण करने लगे तो उसके जीवन की सारी विपत्तियां समाप्त हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे आज छठे दिन की लीला कहनी है। देवी जी प्रकट हुई, आपको पता है वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए गोकुल और गोकुल से एक लड़की को उठा लाए, योग माया को। जाने में तो बहुत बहुत चमत्कार हुआ और आने में भी चमत्कार हुआ। जाने में पांव की बेड़ी खुल गई, किवाड़ खुल गए, ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए, कुत्ते सो गए, यमुना ने मार्ग दे दिया, गोकुल में भी सब सो गए।
यशोदा भी सो गई और अकेले जगा कौन है? श्री वसुदेव जी और वो बालक कृष्ण। तो इधर से सब खुलते गए क्योंकि गोद में कृष्ण है, भगवान को अपने हृदय में जिसने कृष्ण को धारण किया है उसके जीवन में कभी बंधन नहीं हो सकता है। और यदि पूर्व के कर्म बंधन, कर्म के कारण यदि किसी भी प्रकार का बंधन है तो जीवन में गोद में हृदय में यदि कृष्ण को स्वीकार कर लिया तो उसके जीवन के सारे बंधन समाप्त हो जाते। परंतु जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को वहां रखा और योग माया को, माया को अपने गोद में लिया, वहीं से बंधन प्रारंभ हो गया। पहरेदार जग गए, किवाड़ बंद हो गया, बेड़ियां लग गई, ताले अपने आप बिना चाबी के लग गए। बच्ची रोई, पहरेदार दौड़े, कंस आया भागते हुए, बहुत बड़ा इनाम रखा था, इनाम रखा था, अरबों का इनाम था कि जो आठवें पुत्र की सूचना देगा उसको बहुत बड़ा इनाम। और बच्ची जब आकर के रोई तब पहरेदार जगे और सब कुछ बंद हो चुका था और दौड़ रहे थे कि मैं बहुत पहला इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं था कि हम कितने लेट हो गए हैं, हम कितने विलंब से जा रहे हैं। फिर भी गए और कंस सुना आठवां पुत्र सरकार प्रकट हुए, पैदा हो गया और बिना मुकुट लगाए बिल्कुल बरसात में ही दौड़ा तलवार लेकर के, गिरता हुआ फिसलता हुआ कन मथुरा के गली में और कन जेल में आया और देखा, और देखा देवकी ने प्रार्थना किया, भैया छह पुत्रों को मारा, सातवां तो उड़ ही गया, आठवां में ये पुत्री है, इस पर तो दया करो, कृपा कर दो। लेकिन कंस के हृदय में दया नहीं, पटकना चाहा, उड़ गई। बंधुओं, कंस उस जेल के अंदर ही, वसुदेव जी जहां स्नान करते थे ना पत्थर पर, उस पत्थर पर ही माता पिता के सामने कंस बच्चों को पटकता था और माता पिता के सामने देखते देखते वो बच्चे मर जाते, फेंकवा दिया जाता था। सोचा जैसे छह बच्चों को मारा वैसे ये बच्ची को भी मार डालेंगे, क्योंकि नारद जी ने बताया था विष्णु किसी भी रूप में आ सकता है, छोड़ो मत। तो वो पटका तो नीचे जाने के बजाय वो ऊपर उड़ गई और अष्टभुजी हो गई, आठों भुजाओं में बिल्कुल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित लैस होकर के उसने कही, वो बोली, किम मया हतया मंद जातस तव तवांत कृत, तुम्हारा अंत करने वाला, तुमको मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है, क्यों इन नाहक इन व्यर्थ इन निरीह निर्दोष निरपराध बच्चों की हत्या करता है। देवी जी ने ये नहीं कहा कि यहां पैदा हो गया और ये भी नहीं बताया कि यहीं पैदा हुआ था, यहां से चला गया है। कंस देवी जी का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त था। बंधुओं, पहले राक्षस भी भक्त हुआ करते थे, रावण भी भक्त था, आप सब जानते हैं शंकर जी का, हिरण्यकशिपु भी भक्त था श्री ब्रह्मा जी का, और जरासंध भी भक्त था। जरासंध किसका भक्त था? वो विष्णु का भक्त था। लेकिन विष्णु जिनके अंश हैं, विष्णु जस्य कला विशेष, ब्रह्मा जी कर प्रार्थना करते हैं कि जो विष्णु भगवान कृष्ण के कला हैं जिस गोविंद के, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद की को कि हम भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अंश का भक्त था परंतु अंशी का नहीं, ये कंस देवी जी का अनन्य भक्त था।
और देवकी के गर्भ से देवी प्रकट हो गई, बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। विष्णु प्रकट हुआ तो आश्चर्य नहीं है, परंतु विष्णु की एक दासी प्रकट हुई, एक शक्ति प्रकट हुई, तो इसको आश्चर्य। और कह दिया तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है, प्रार्थना किया देव की, वसुदेव को छोड़ दिया। सुबह हुआ, कैबिनेट का मीटिंग बैठाया, मंत्रिमंडल का अर्जेंट मीटिंग बुलाया, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। देवी जी ने कहा है तुम्हारा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है, तो कहीं ना कहीं आसपास में ही जन्म लिया होगा, क्या करना चाहिए। कंस बड़ा भयभीत था, तो उसके मंत्रियों ने कहा सरकार इसमें डरने की क्या बात है, आप क्यों डरते हैं, आपके डर से सबके सब लोग पूंछ दबा करके भागते रहते हैं सारे देवता, हाँ? और ब्रह्मा को तो वेद पढ़ने से फुर्सत नहीं, वो आपके सामने आएगा नहीं, तप करता रहता है, और शंकर जी कहीं गुफा में भजन करते होंगे। बात रही विष्णु की, उससे जरूर हम लोगों को खतरा है, तो उसको मारने का उपाय है कि जहां जहां गाय और ब्राह्मण देखिए वहां वहां गायों का और ब्राह्मणों का वध करा दिए, और विष्णु सारे धर्मों का मूल है, वो अपने आप समाप्त हो जाए। और रही बात आपके शत्रु की जन्म की, तो कितने दिन का होगा, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, 1 महीने का होगा, तो सरकार विचार मेरा ये है कि 1 महीना के अंदर जितने भी बच्चे आपके ब्रज में और राज में हैं उन सबको मरवा दिया जाए, आपका शत्रु भी उसी में मर जाएगा। ओह कितना सुंदर विचार है, तालियां बजी, जय हो होने लगा, क्या सुंदर विचार है ना, अद्भुत। ये विचार किसने दिया, बहुत बड़ा मंत्री, कंस का मंत्री है, 6 बच्चों को मारा, देवी जी के प्रकट होने पर अपराध क्षमा मांगा, बहुत बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन फिर तुरंत प्रातः काल होते ही लाखों बच्चों के हत्या की योजना बन गई। भाई डायरेक्ट बच्चों को मारेंगे तो जन आंदोलन हो जाएगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, कैसा राजा है। जब ये विचार चल रहा था कि क्या ऐसा उपाय निकाला जाए कि बच्चे भी मर जाएं और माता पिता को पता भी न चले, तब उसमें पूतना नाम की एक राक्षसी, नाम पूतना नहीं था, पूतना नाम एक राक्षसियों की जाति होती, वो खड़ा हो गई आगे आके, सरकार मेरे पास एक ऐसा तरकीब है, एक ऐसा उपाय है कि बच्चे मर भी जाएंगे और माता पिता को पता भी नहीं चलेगा, मैं मारूंगी, हाँ प्रेसिडेंट मैं। तो एक तो ऐसे ही असुर थी, मारने का काम ही था, और ऊपर से सरकारी मुहर लग गया, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, मार सकती है, और मारने के लिए चली। भगवान ने सोचा मेरे रहते यदि इस ब्रज में एक भी बच्चे का एक भी बाल बांका हो गया, टूट गया, तो फिर मेरे अवतार लेने का कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए मत्तः स्मृतिर ज्ञानम सर्वस्य चाहम हृदय सिन्नविष्ट, भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं बैठा और मैं ही स्मृति देता हूं, विस्मृति देता हूं और ज्ञान देता। प्रेरणा किया, उड़ी, आकाश मार्ग से जाती थी, आकाश मार्ग से जाती थी, भगवान ने प्रेरणा किया, अपना राडार इधर घुमाओ गोकुल की तरफ, है कि नहीं, स्टेरिंग मारो नजदीक में। विचार किया पूतना ने, पहले नजदीक के बच्चों को ही मारना चाहिए, तो गोकुल में पहुंचे, जहां कृष्ण है वहां पहुंच गए, सबसे पहले गांव में पहुंच रही है,
और गांव के बाद भी ध्यान दीजिए किसी दूसरे ब्रजवासी के घर में नहीं गए, बहुत बच्चे होंगे परंतु दूसरे घर में नहीं जा रही, सबसे पहले नंद भवन में जा रही है, 6 दिन के ठाकुर जी हैं और बड़ी आनंद से पलने पर झूल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बाल स्वरूप है और माताएं और सब लोग जगी हैं, श्रृंगार कर रही हैं, उत्सव है, लक्ष्मीपति घर में भगवान पधारे हैं तो फिर क्या कहें। वह राक्षसी एक बार आकाश मार्ग से साखेचरी एकदा उपेत्य पूतनानंद गोकुलम जोषित्वा माययात्मानं प्राविशद कामचारिणी। पूतना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह कामचारिणी थी, अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे वहां जा सकते थे और जैसा चाहे वैसा रूप भी बना सकते थे। गोकुल में जाना है, कैसा रूप बनाया? बोले जोषित्वा माया आत्मानम, जोषित्वा अपने आप को एक बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण किया, योषित एक स्त्री का रूप धारण किया, स्त्री तो थी ही लेकिन परम सुंदर स्त्री, लक्ष्मी जैसा सुंदर बन करके गई है। इतना सुंदर बन करके गई है कि उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, तम ताम केश बंधम व्यतिशक्त मल्लिका, बालों में बहुत सुंदर फूल गुथ करके हैं, और बृहन नितंबस स्तन कृच्छ्र मध्यमा, बहुत पतला कमर है हैं, कटी भाग बहुत कृच्छ्र है और उसका नितंब है बहुत बड़ा है, वल्गुस्मृत बहुत सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए, अपांग विक्षित अपांग विसर्ग विक्षित, इतना तिरछी चितवन से सबके मन को मोहती हुई जा रही है, मनोहरंतिम बनिताम ब्रजोकुशाम, जा रही है जिस समय सीधा नंद भवन में प्रवेश कर गई। साधारण व्यक्ति भी अपने घर के सामने एक सिक्योरिटी रखता है, कुछ कुत्तों को रखता है, गेट रखता है, नंद बाबा तो राजा हैं, डायरेक्ट प्रवेश कर कैसे कर गई? बोले वो इतना सुंदर रूप बनाई थी और अपने तिरछी चितवन से इस प्रकार से ब्रजवासियों को देखती हुई जा रही थी कि देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी का उत्साह नहीं हुआ कि उस पूतना को रोक ले, मनोहरंती मन को मोहती हुई जा रही थी, बहुत सुंदर रूप हो और बहुत सुंदर चेहरा हो और बहुत सुंदर ड्रेस हो, हंसी हो, मुस्कुराते हुए कोई भी जाए तो लोग सोचते हैं कोई VIP है, इसको नहीं रोकना चाहिए, है ना। अब मुझे एक कथा तो याद आ रही है, कलकत्ता में एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था आचार्य विद्यासागर, आपने नाम सुना होगा। इसी बॉम्बे से कोई मिलने के लिए कलकत्ता उनको गया था और ट्रेन से जब हावड़ा स्टेशन पर उतरा तो एक छोटा सा बैग था उसके पास, परेशान था, कुल्ली 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 कुल्ली, लेकिन कोई सुनता नहीं था, चले जाते। अंत में एक व्यक्ति मिले, बोले क्या है बाबू, क्यों परेशान हो? बोले ये सामान बाहर ले जाना है, और बाहर ले वो बोला मैं आपका पहुंचा देता हूँ, और वो बेचारे सामान को उठाए बाहर पहुंचा दिए, बोले कुछ पैसा ले लो, बोले नहीं नहीं बस आप परेशान थे, आपका दुख दूर कर दिया। और जिस समय वो आचार्य विद्यासागर के घर पर जाता है खोजते खोजते, और जब निकला, जब कहा कि आचार्य विद्यासागर से हमको मिलना है, तो वो क्या देखा कि वही निकल रहे हैं जिन्होंने सामान पहुंचाया था। बोले किससे मिलना है? बोले आचार्य विद्यासागर से मिलना है, और वो नवयुवक तो पहचान गया कि वो तो वही व्यक्ति है जिसने हमारा बैग पहुंचाया था।
बोले मैं ही हूं आचार्य विद्यासागर, कहिए क्या सेवा है। बेचारे का शर्म से झुक गया। एक बार विद्यासागर जी बहुत बड़े विद्वान हुए, कहीं पार्टी में गए थे और पार्टी में ऐसे ही फटे कपड़े ऐसे ही पहन करके चले गए थे। जहाँ जा रहे थे तो उन्हें सिक्योरिटी ने रोक दिया, ए कहाँ जा रहे हो, ये भिखमंगों का मेला नहीं है, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार सब धनी मनी लोग हैं, सेठों के लिए यहाँ पर वो है। और वो बेचारे चले आए, बोले निमंत्रण था हमें जाने नहीं दिया। अब सिक्योरिटी के पास कौन रहता है। बाद में वो बहुत सुंदर मोजा पैंट जूता कोट टाई फर्स्ट क्लास का पहन करके आए और दूर से ही बिल्कुल सलामी दिया और आइए वेलकम, सब चीज हुआ, गरम स्वागत हुआ। भीतर गए और जहाँ भोजन रखा गया था डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर भोजन करते समय वो मुंह में नहीं खाने लगे, चटनी को टाई पर डालने लगे, सब्जी को कोट में डालने लगे, कुछ को पैंट पर डालने लगे। लोगों ने कहा बाप रे बाप, इतने बड़े विद्वान की बुद्धि आज खराब हो गई। बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। बोले ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तो कोई कीमत नहीं है, कीमत तो इन कपड़ों की है जिसके कारण मुझे भीतर आने को मिला है और भोजन मिला है, इसलिए भोजन का अधिकारी मैं नहीं। बंधुओं ये पूतना भी उसी तरह से इतना सुंदर रूप बना करके गई है कि किसी ने हिम्मत नहीं किया कि रोक दें। अब आप समझे मैं आचार्य विद्यासागर की बात क्यों कहा। लो बांसुरी बज गई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अच्छा है वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। इतना सुंदर सुवास सम इतना सुंदर कपड़े से सजी हुई थी और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान था और आंखों से अपने चितवन से सबके मन को मोहती हुई, सबके मन को अपने बस में करती हुई और डायरेक्ट नंद भवन में पहुंच गई और वहां पहुंच गई जिस स्थान पर कृष्ण थे। बाल गृहस्तत्र विचिन्वती शिशुन यदृक्षया नंद गृहे असद अंतकम। नंद बाबा के घर में असद का अंत करने वाले के पास पहुंच गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने अपने तेज को छिपा रखा था, ये असुर ये राक्षसी ये न जान जाए कि ये ईश्वर है, क्योंकि भगवान सामने भी प्रकट हो तो सब लोग नहीं देख पाते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान अपने आप को इस तरह से योग माया से ढक देते हैं कि सामने देख करके भी लोग नहीं पहचानते। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अरे जब इंद्र सामने देखा कि ये कृष्ण है और ब्रज में आया फिर भी नहीं पहचाना, ब्रह्मा जी सामने लीला देखे, ब्रह्मा इंद्र और इतने बड़े बड़े लोग जब नहीं देख कर नहीं पहचानते हैं तो जिसने जीवन में देखा नहीं वो कैसे पहचान सकते। और फिर देवता नहीं पहचान सकते, ये तो राक्षसी है। तो कोई संभावना ही नहीं है कि पहचान सके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तल्पे अग्नि एवं अहितम। अब क्या उदाहरण दिया जाए आप लोगों को, जीवन में जो गैस चलाया है इंडेन और भारत और पेट्रोलियम और क्या क्या, अब उसके जीवन में राख तो मिलेगा नहीं। गांव में जो रहे हैं गए हैं वो जानते होंगे
राख होता है ठंडा के दिन में, कंडे का भूसे का राख होता है, हैं ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन भीतर आप उंगली लगाओगे तो बिल्कुल उंगली जल जाएगा, लाल लाल बिल्कुल अंगार होता है, ठंडा में लोग तापते हैं। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से ऊपर से राख हो और उसके भीतर आग हो, उसी तरह से ऊपर से कृष्ण एक साधारण बच्चे की तरह, लेकिन भीतर जब छुएगा कोई तब ये पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, ये राख नहीं है, ये तो भयंकर आग है। उस तरह से बाह्य दृष्टि से बाहर से भगवान अपने आप को प्रतिक्षण किए हैं और इस तरह से भगवान ने देखा। प्रतिक्षण निज उरु तेजसम, अपने उरु तेज को भगवान प्रतिक्षण किए थे, छिपाए थे, और इस तरह से उन्होंने देखा। किसको देखा? विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम, यह पापिनी, यह दुष्ट, दुष्टा, राक्षसी, ये निर्दोष बच्चों की हत्या करने वाली है, भगवान ये जान गए। किसी ने बताया नहीं, छह दिन के कृष्ण हैं भगवान, चाहे छह घंटे के हों, चाहे गर्भ में हों, चाहे छह साल के हों, चाहे साठ साल के हों, भगवान हर एक स्थिति में। संसार में बच्चा यदि एक साल का छह महीना का है तो एक जानवर की तरह होता है, कोई भाषा का ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं होता है। हाँ, आज तो सब कुछ, मेरा नाम ये है, उस समय नाम क्या है ये भी पता नहीं होता है, क्या जाति है ये भी पता नहीं होता है, हम गुजराती हैं कि बंगाली हैं कि महाराष्ट्रियन हैं, क्या हम अमेरिकन हैं कि इंडियन है, कुछ पता नहीं होता। छह दिन के भगवान हैं लेकिन विबुद्ध, बी का अर्थ होता है विशेष रूप से, बुद्ध जान गए कौन आई है मेरे पास, और इतना जान करके ताम बालक मारिका ग्रहम, बालक को मारने के लिए यह एक ग्रह के समान है। कैसे जान गए? बोले चरा चरात्मा, चर और अचर, समस्त जीव के, समस्त प्राणियों के हृदय में की सब बात को जानते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, भगवान सब जानते हैं। वेदाहम सम अतीतानी, बीत गया उसको भी जानते हैं, वर्तमान की बात भी जानते हैं, आपकी बात भी जानते हैं, हमारी सबकी जानते हैं, केवल मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी जो धरती के अंदर हैं उनका, बाहर हैं, जल में हैं, आकाश में हैं, एक लोक नहीं अनंत लोकों के अनंत जीवों की बात सब जानते हैं कि कौन जीव 100 जन्म पहले क्या था, 99 में क्या था, आगे क्या बनेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि माम तो वेद न कश्चन, ये सब लोग, विश्व ब्रह्मांड के लोग मिलकर भी केवल मुझे नहीं जान पाते। मैं सबके विषय में और सब कुछ जानता हूं, लेकिन सब लोग मिलकर के मैं मुझ अकेले के विषय में नहीं जान पाते। भगवान दुख के साथ कहते माम तो वेद न कश्चन, कश्चन माम न वेद, मुझे कोई नहीं जानता है। कोई कोई भक्त्या माम अभिजानाती जावन जश्चास्मि तत्वत, मनुष्याणाम सहस्रेषु, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई 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 है, अनंत मनुष्यों में तब मुझे जान पाता है। और वो भी कैसे जानता है? बोले भक्त्या, वेद पढ़े तो शायद नहीं जान सकता है, वेदेषु दुर्लभम, वेद सबसे बड़ा ज्ञान का पुस्तक है, परंतु वेद में भी भगवान दुर्लभ है। और वह बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि केवल भगवान की कथा सुनने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे, तो भगवान अपना सारा ज्ञान और सब ज्ञान उस जीव के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। केवल भगवान का नाम लीजिए, आपको सब ज्ञान हो जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त्या माम अभी जानाति, अभी का अर्थ होता है अभी तक, पूर्ण रूप से भगवान को आप जान जाओगे केवल भगवान का नाम जप करके, क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो चराचरात्मा भगवान समस्त चर जो चल रहे हैं उनको चर कहते हैं, और जो नहीं चल सकते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं जैसे वृक्ष आदि नहीं चल सकते हैं, उनकी बात भी भगवान जानते हैं। तो एक पूतना की बात समझ जाना क्या आश्चर्य। और इस तरह से अनंत मारोपयद यत अंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुदी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे एक भयंकर काले नाग को एक रस्सी समझ करके कोई पकड़ ले तो उसके समझने से वो रस्सी तो होगा नहीं, नाग तो नाग है। और कभी कभी ये सर्प बिल्कुल रस्सी की तरह ऐसे पड़े रहते हैं और थोड़ा अंधेरा है, कोई पकड़े कि ये भाई ये रस्सी है वो तो काटेगा। उसी तरह से यह मूर्ख पूतना अनंत शक्ति संपन्न भगवान को एक सामान्य बालक समझ करके सोच रही है कि जैसे बच्चों को मार देती हूं उसी तरह से इसको भी मार डालूंगी। सुक्तम अबुद्धि मूर्ख रज्जुधि यथा उर्गम, जैसे एक भयंकर सर्प को, सांप को उरग कहते हैं, उरग का अर्थ होता है उरेण, हृदय से, उर का अर्थ है हृदय और ग माने गमयति गमनम करोति। सांप के पास पैर नहीं होता है, आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल सपाट रहता है, इतना भी पैर नहीं, परंतु फिर भी वो कितना तेजी से चलता है, ये भगवान की सृष्टि। अब ऐसे भयंकर सांप को, बिल्कुल जहरीले सांप को कोई साधारण रस्सी समझकर पकड़ ले, ऐसे ये मूर्ख पूतना अनंत शक्ति संपन्न परात्पर पूर्ण ब्रह्म को, भगवान को एक सामान्य बालक समझ करके उनको मारने की इच्छा से जा रही है। भगवान ने नेत्र बंद किया निमीलित एक क्षण, और भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया इस पर भी आचार्यों ने बहुत बहुत भाव लिखा है। देख लिया कि ऐसे दुष्ट पापिनी के मुंह को देखना अच्छा नहीं है, भगवान विचार कर, बहुत सारा विचार करते हैं, भक्तों ने बहुत भाव दिया है कि राम जी के रूप में अवतार लिया था तो पहली बार मुठभेड़ हो गया एक स्त्री से, कौन थी वो, ताड़का बक्सर, और इस अवतार में भी आया तो पहला मुठभेड़ बिचारी उतना से हो गई, माँ बन करके आई है, कैसे मारूं क्या करूं। लेकिन भगवान ये विचार करने लगे कि क्या सुकृत किया था, आंख बंद के विचार करते हैं किस सुकृत के कारण ये मेरे धाम में आ गई और धाम के बाद भी मेरे पास आ गई इतनी बड़ी राक्षस। भगवान आंख बंद कर लिए और ये जा करके उठा ली, उठा लिया और उठा करके बल्कि और कहने लगी, अरे यशोदा कितनी निर्दय हो, कितनी निष्ठुर हो, इतना सुंदर बच्चा है भूखा है और तुम मुझको प्यार दूध नहीं पिला रही हो, और कह रही है, सब लोग देख रहे हैं कि नई औरत है, नई स्त्री है और आई है घर में, और कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया और उठा करके तुरंत कंचुकी को उठाया और उठा करके उस परम दुर्जर वीर्य उल्लबणम, कैसा जहर लेकर के आई थी, बोले ऐसा जो दुर्जर, दुर्जर का अर्थ होता है जिसका डेट एक्सपायर नहीं कर सकता था, जहर का अर्थ होता है बूढ़ा जो कभी एक्सपायर नहीं होता कि आज बढ़िया जहर है कल खराब हो जाए,
और उल्बण का अर्थ होता है जिस ऐसा जहर लगा करके आई है अपने स्तन में जिसको पीने की जरूरत नहीं थी, बच्चे के ओठ से स्पर्श हो और बच्चा मर जाएगा। बंधुओं इतना ऐसे लेकर के आई है, भगवान को पिलाने लगी। भगवान आंख बंद किए हैं, उसमें एक भक्त भाव देते हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं तो ब्रज में आया था कि दूध दही खाऊंगा, हैं नंदगांव बरसाना और दूध दही का खजाना कह दो चाहे खाना कह दो कुछ भी, परंतु पहला दूध पीने से पहले ये जहर पीना पड़ा। तो भगवान नेत्र बंद करके कहते हैं कि हे शंकर जी, हे शिव जी, ये जहर पीने का अभ्यास आपको है, आप आइए। और हम तो दूध पीने के लिए आए हैं, ब्रज में माखन खाने के लिए आए हैं, दही खाने के लिए आए हैं, चुरा चुरा करके खाएंगे, लेकिन ये देने के लिए आई है तो भी मुझे खाने की इच्छा नहीं है। मानो भगवान ध्यान करके हैं, रोष समन्वित, शंकर जी का एक नाम रोष है और एक नाम तोष भी है। तो आशुतोष मतलब जल्दी प्रसन्न होना, और आशु रोष माने जल्दी नाराज भी, गुस्सा भी करना, तुरंत श्राप भी देना। तो रोष समन्वित भगवान बुलाए शंकर जी को। बंधुओं जो हलाहल जहर था वो तो शंकर जी पी गए, बाकी उसका जो प्राण है उसके अंदर जो दूध था वो भगवान पी रहे। बच्चों का एक स्वभाव होता है, जब कुछ भी माँ का स्तन पीते हैं ना तो एक स्तन को पीते हैं और दूसरे स्तन को पकड़ के रखते हैं कि दूसरा ना पी जाए, ये मेरा हक है। दूसरे स्तन को भी इसलिए पकड़ के रखते हैं कि ये मेरा है, रिजर्व चीज है, मेरे लिए है, दूसरा कोई ना पिए, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो गाढ़म कराभ्यम जोर से भगवान पकड़े और रोष समन्वित हो पीबत पीने लगे, और जिस समय पीने लगे तो मुंचाल मुंचाल मिति प्रभासिणी, धीरे धीरे भगवान जहर पी गए और उसके रक्त भी, और उसके बाद जो प्राण वायु है प्राण को पीने लगे। बहुत कष्ट हुआ उसके छाती में, उसके स्तन में कष्ट जब होने लगा तब वो धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किया कि अब छुड़ा दो। छुड़ाने का प्रयास किया, मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो अलम इति, बहुत हो गया बहुत हो गया, और बोलने में भी धीरे धीरे उसको कष्ट, अरे छोड़ रे छोड़ रे, बहुत हो गया बहुत हो गया। लेकिन भगवान ने कहा, माता एक तो मैं पकड़ता नहीं हूं है? और मैं भी मथुरा थोड़े गया था पकड़ने के लिए, तुम आई हो मथुरा से और तुमने मुझे उठाया पकड़ा दिया, और बच्चे का जब तक पेट ना भर जाए तब तक तो छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात कि मेरा एक स्वभाव है कि मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और एक बार यदि किसी ने पकड़ा दिया तब फिर जीवन में उसे कभी, इसीलिए चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, दुनिया छूट जाए, शरीर छूट जाए, पुत्र छूट जाए, परिवार छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन एक बार लग गई, एक बार तो लग गई सदा के लिए, छूटे ना छुटाए लगन हरि नाम की। एक बार लग गई तो लग गई सदा के लिए, फिर जीवन छूट जाए सब छूट जाए। कहैया तजो सुनैया तजो बाप अरु मैया तजो भैया तजो गैया पै कन्हैया ना ही तजी हूँ, सब छोड़ दूंगी परंतु कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, ये भाव होता है। भगवान कहते हैं मैं पकड़ता नहीं, लेकिन जिस सौभाग्य से यदि कोई मुझे एक बार भी कह दे कृष्ण आपका हूँ तो फिर जीवन में उसे कभी छोड़ता नहीं। बंधुओं पूतना के साथ भी भगवान ने यही दया दिखाई है, ये बहुत सुंदर लीला है। उद्धव जी जैसे महान भक्त के हृदय में भी यह लीला
और इस तरह से उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि कम्बवा दयालु शरणम ब्रजेम। और यही लीला भागवत के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी को भक्त बना दिया। यह जो लीला है बहुत प्रसिद्ध लीला है। दुष्ट पूतना ने यह दिखाया मैं दुष्टता की सीमा हूं, तो भगवान ने यह दिखा दिया कि मैं करुणा की सीमा हूं। दुष्टता का लास्ट स्टेज ये मुझ में है, भगवान ने कहा कि ऐसे दुष्टों के प्रति भी करुणा का स्टेज लास्ट मुझ में। और इस तरह से नेत्र चरण को बहुत पटकते हुए वो छोटे से बालक को लेकर उड़ी और उड़ गई आकाश में, अपने स्वरूप में हो गई। हमारे आचार्य कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना तो वो अपने स्वरूप में बना लेते हैं, फिर उसका ओरिजिनल स्वरूप हो जाता है। तो ओरिजिनल स्वरूप था राक्षसी का, राक्षसी का स्वरूप बनाई और लेकर के छोटे से बालक को कितना बड़ा स्वरूप बन गया, बोले त्रिगव्यु। त्रिगव्यु का अर्थ होता है लगभग 18-20 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई। आई थी बहुत सुंदर 6 फीट का बन के, 5 फीट का समझिए, बहुत सुंदर स्त्री बन करके आई थी, लेकिन भगवान ने जिसे पकड़ लिया वो क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में हो जाता है। बंदों उसी तरह से आप देख रहे हैं ना, भगवान ने जिसको पकड़ लिया है वो अपने स्वरूप में हो गया है। उसके माथे पर तिलक, गले में कंठी हैं, माला झोली, जप, भागवत, हरिनाम, ये सब हो जाता है, वो अपने स्वरूप में हो गया है। ये अपने स्वरूप में हो गई और लेकर के कृष्ण को उड़ी, और उड़ करके भगवान ने सोचा कहाँ इसको गिराऊं, 18 किलोमीटर ब्रज के अंदर यदि एक दो गांव पड़ गए तब तो चूर्ण बन जाएंगे। कंस का एक बगीचा था 18-20 किलोमीटर का, और दूसरी बात, मारने और मरने के बाद में कुछ लकड़ी भी तो चाहिए लाश जलाने के लिए। 20 किलोमीटर का लाश है तो उसको जलाने के लिए, हाँ आप सोचो कितना, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम भी फेल हो जाएगा ना, इतना 18 किलोमीटर का वो बनाएंगे तो कोई भी सिस्टम है टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि चलो लकड़ी भी अलग से काटना न पड़े, और कंस का ही बगीचा था, भगवान ने उस पर गिरा दिया। और इधर माताएं चढ़ करके, क्योंकि ब्रजवास ब्रज का एक भाव है कि वो अपने रक्षा अपने सुख दुख का ध्यान नहीं करते, हमारा कृष्ण सुरक्षित हो, वो चढ़ करके और कृष्ण को उतारा और बहुत सुंदर द्वादश तिलक के द्वारा भगवान के नाम का, ओम श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, भगवान के नाम के द्वारा और वहां पर गोबर के द्वारा भगवान को तिलक किया जा रहा है। 6 दिन के बच्चे और समस्त गोपियां, माता रोहिणी और यशोदा जी, सब लोग बच्चे का तिलक करती हैं, मंत्र करती हैं, और मंत्र और तिलक के द्वारा भगवान की रक्षा करती है। अब आप समझो, भगवान की भी रक्षा करनी है तो तिलक किया जाता है, मंत्र बोला जाता है। मंत्र में क्या बोला जाता था, श्री केशवाय नमः, उन्हीं का नाम है, लेकिन उन्हीं के नाम से उनकी रक्षा की जा रही। अब आजकल तो भ्रष्ट परंपरा है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले लोगों को ज्ञान था। इतनी बड़ी राक्षसी थी, कहीं एक दो नाखून लगा दिया होगा तो गोमूत्र से स्नान कराए और गोबर से तिलक किया, और लोक विधि के अनुसार राई नून इत्यादि उतारते हैं, सूप का एक कोना स्पर्श कराया। सूप जानते हैं आप लोग, जिसमें हल्का चीज उड़ जाता है और जो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, नहीं जानते है? जानते है? तो ऐसा विधि है कि किसी बच्चे को नजर या राक्षसी का प्रकोप हो तो उस सूप का एक कोना स्पर्श कराना चाहिए। ब्रजवासियों ने किया, लोक विधि का पालन किया, किस लिए, कृष्ण की रक्षा।
जगत की जो रक्षा करेगा उसकी रक्षा करते हैं ब्रजवासी, और भगवान इसी रस का स्वादन करने के लिए ब्रज में आए हैं। वेद विधि से रक्षा किया, भागवत में सब कुछ लिखा है। विष्णु राम सर्वे नश्यंतु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवो, विष्णु के नाम से जितने भी ग्रहण ग्रह होते हैं सब लोग समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये तो कृष्ण की रक्षा हुई, उधर नंद बाबा पहुंचे ब्रज से और परशु से काटा कुल्हाड़ी से, क्योंकि इतना बड़ा लाश 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जलाया नहीं जा सकता था, कितना लकड़ी उठा भी नहीं सकते थे, इसलिए हजारों हजारों गोपों को कुल्हाड़ी से एक एक अंग को काटने का आदेश दिया नंद बाबा ने, और काट करके अलग अलग हजारों जगह लकड़ी तो मिल ही गया था, टूटा था, वहीं पर उसके द्वारा जलाया गया। और जलाने के बाद बंधुओं एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके देह से अगुरु का सुगंध निकला, बहुत सुंदर सुगंध निकलने लगा, तो सारे ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी पापिनी थी, पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासन, बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, जाति भी कोई अच्छा नहीं था और काम भी कोई अच्छा नहीं था, भगवान के पास गई है तो जहर लेकर के गई, वस्तु भी अच्छा नहीं था, और नियत क्या है, बोले मारने के लिए गई है, वस्तु भी अच्छा लेकर नहीं गई है, मारने के लिए गई है, और व्यक्ति भी अच्छी नहीं है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है, वस्तु भी अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान ने उसको मां बना दिया। अवाप जननी मुखति, क्या कारण है भगवान ने ऐसी कृपा, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कितना बुरा आदमी है, कितना गलत है, कौन कितना है, भगवान बस इतना ही देखते हैं कि कौन मेरे पास आया है, मेरे पास आ गया वो कितना बुरा है भगवान ये नहीं देखते हैं। मेरे पास समय नहीं है, विभीषण जी का बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान ने ये देख कह दिया, सब लोगों ने कहा ये रावण का भाई है, राजनीति कर रहा है, भगवान ने कहा कि मेरे सामने यदि कोई आ गया तो सूर्य के सामने आने पर जैसे अंधकार नहीं टिकता, उसी तरह मेरे मंदिर में, मेरे सामने, मेरी भक्ति में यदि कोई आ गया तो जीवन में पाप रह नहीं सकता है। भगवान ने इस तरह से पूतना पर कृपा की, और कृपा करके उसको अपने लेभे गतिम धात्री उचितम ततुन्य कमुआ दयालु शरणम ब्रजेमा। भगवान ने कौन सी गति दी, बोले माता जसोदा की गति, दिव्य धाम में जिस स्थान पर माँ जसोदा बैठती है, पूतना एक राक्षसी जहर पिलाने वाले भी वही गति। बंधु हमारे एक आचार्य कहते हैं कि जब जहर पिलाने वाली को माँ बना सकते हैं, मारने वाली को माँ बना सकते हैं, तो यदि कोई उदासीन भाव से, मारने की इच्छा से नहीं, उदासीन भाव से भगवान को दो रोटी देता है, भगवान उसको क्या देंगे, और फिर श्रद्धा से यदि भगवान को कोई कुछ देता है उसको क्या देंगे, और फिर प्रेम से कोई भगवान को कुछ देता है उसको क्या गति देंगे, आप विचार करो, राक्षसी को जहर देने वाली को, मारने के नियत से देने वाली को भगवान को कुछ देने गई, क्या देने गई है, जहर, किस लिए, मारने के लिए, उसको जब मां बना सकते हैं तब कोई उदासीन न्यूट्रल होकर के यदि भगवान को कुछ दे दिया, चलो भाई 1000, उसको क्या बनाएंगे, और फिर श्रद्धा से कोई दे रहा है कि ठाकुर जी हैं हमारे हैं उनको देना है, उसको क्या बनाएंगे, और फिर प्रेम से कोई दे, और फिर माता जसोदा को क्या गति देंगे जिन्होंने अपना स्तन पिलाया, उन गायों को क्या गति देंगे जिन गायों का दूध दही भगवान चुरा चुरा करके खाते हैं। बंधुओं यहां पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है पूतना के लिए कि आपके पास कुछ भी हो,
खराब से खराब वस्तु भी हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, जो भी हो, भगवान ये नहीं देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं कि वो मेरे पास आ जाए। सामने आ गया तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं, परंतु कुछ न कुछ देने के लिए जाओ। और भगवान ने उसको अपनी माँ बनाया। यह बहुत बड़ी शिक्षा है कि मारने वाली राक्षसी को भी जब इतना सुंदर गति है, जैसे कोई राइफल लेकर के तैयार हो, गोली भी लोड हो, बिल्कुल दबाना हो, और उस समय कोई कहे आइए आइए प्रणाम, साष्टांग दंडवत करे और कहे आइए ये फ्लैट खाली है, आप हमारे यहाँ रहिए। माँ बनाने का अर्थ होता है अपने नित्य धाम में नित्य माँ बना दिया, भले तुम मेरी माँ हो क्योंकि स्तन पिलाने के लिए आई हो, जहर लाई हो कि मारने के लिए आई हो। भगवान भक्त के दोष को नहीं देखते। भगवान में, भक्त में यदि पहाड़ के जैसा भी दोष हो तो भगवान उसको राई जैसा भी नहीं देखते हैं, और भक्त में यदि एक भी नाम उसके मुंह से निकलता है तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस भक्त के प्रति। ऐसी भगवान की दया। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। तो इस तरह से उतना पर भगवान ने कृपा की, और इस कृपामय श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने सुना। इस प्रसंग को सुन करके सुखदेव जी निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, और वे आकर के भागवत के श्लोकों का पाठ किया, सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और बहुत बड़े भक्त बोले मारने वाली पर भी इतनी कृपा, वो भी सामान्य भक्त नहीं बनाया, माँ बना लिया। तो जो प्रेम से भजन करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान उसे कितना प्रेम से प्रतिदान करेंगे, कितना आदर देंगे, कितना मानेंगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है। बंधु यह सब प्रसंग हृदय स्पर्शी है, भगवान कितना मानते हैं भजन करने वालों को। ये नहीं सोचना चाहिए हम भजन कर रहे हैं तो भगवान की क्या प्रतिक्रिया है। जहर देने वाली पर, राक्षसी पर, मारने वाली पर भी जीवित ने कृपा है। तो जो प्रेम से प्रणाम करता है, भगवान को कुछ देता है, भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते। समय अधिक हो गया, यहीं पर विराम करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे। एक महिमा है, जब वो बोलते हैं तो लगता है बोलते ही रहे। बहुत सुंदर गंगा की धारावत इनकी प्रभु जी की वाणी है, यहाँ पर बताया गया है। कल रात को 2 दिन की यात्रा जाने वाली है, शनिवार और रविवार। रविवार तो सब लोग ये आनंदी और देहू भगवान का धाम है, भगवान के भक्तों की भजन स्थली है। तो हम भी यदि ऐसे स्थान पर जाएंगे तो जैसे भगवान को 12 बजे हम बस के द्वारा निकलेंगे, 2x2 बस होगी, पूछ भाई रात को सोने में कोई कष्ट नहीं होगा। और कल रात को हम सब निकलेंगे, परसों सुबह शनिवार को सुबह 5 बजे हम नई नदी है वहां पर स्नान करेंगे, प्रसाद देकर स्नान करेंगे, और स्नान के बाद वहां पर संत ज्ञानेश्वर जी के बहुत सुंदर भजन स्थल